वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही? और एक प्रॉब्लम। ओ अरे, कल वाला बुक करना है क्या? यस हाँ सर, जैसे 47,900 की पुट मार्केट ऑलरेडी -400 पॉइंट है, तो बुक कर सकते हो। BTST कॉल जो दिया हुआ था, 47,900 की पुट। जिसने भी अच्छा 47,900 की पुट बाय की हुई है BTST कॉल में, जैसे हमने बोला हुआ था, तो बुक कर सकते हो। मार्केट अच्छा खासा 400 पॉइंट, 299 बुक कर सकते हो। 200 पे बाइंग थी। मार्केट टू 200 से 299 का हाई लगाया, जो भी है बाइंग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सर, प्रॉफिट कितना हुआ? शेयर करिए। हमें सर प्रॉफिट बुक हो गए। अच्छा, सर 3,000 है सर। वेलकम। अब टाइम स्लॉट है हमारा पॉजिटिव का, ठीक है? तो हम कॉल साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है? तो कॉल साइड में कॉल ठीक है। तो आज के लिए रेंज है, निफ्टी की रेंज है 22,523 से लेके 22,281। अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है? आज की रेंज है निफ्टी की 22,523 से लेके 22,281, ठीक है? आज निफ्टी का लो लगा है, ठीक है? और 3,305 का ऑलरेडी उसने लो लगाया है, ठीक है? तो काफ़ी नज़दीकी है, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। ऊपर में मैदान कहाँ तक खुला है? तो 22,523 तक, ठीक है? बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी की रेंज है 48,449 और बॉटम में 47,931। तो लोग क्या है देख लेते हैं। 47,931 उसने ऑलरेडी लो भी ब्रेक किया हुआ, ठीक है? तो यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस हैं। और कॉल साइड में 48,500 की कॉल अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, 130 के अबो बाई कर सकते हो। 132 के अबो बाई कर सकते हो। 120 का ऐसे लगाइए। अभी इंट्राडे के लिए क्या लेना चाहिए सर आज का? कॉल का 40 यही बोल रहा हूँ, 48,500 की कॉल आप 132 के अबो बाई कर सकते हो। 112 का ऐसे लगाइए। 130 के अब या वन एसएल कितना बनेगा? 110 और फर्स्ट टारगेट रहेगा 154 और सेकंड टारगेट रहेगा 200। टाइम स्लॉट है 11 बजे तक का, ठीक? कंटिन्यूअस बाय ऑन डिप से है।
मारू यार। विशाल सर, इस बीच में आप कहाँ से हो, क्या है, थोड़ा बोलेंगे आपके बारे में?
हाँ, किसने पूछा था पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के बारे में? तीन टाइम स्लॉट है स्पाइक्स आने की, 9:30, 9:50 और 10:40। ठीक है, तीनों टाइम स्लॉट को नोट करके रखिए। सर मैं राम, मैंने पूछा था। अच्छा यस सर, माई सेल्फ धवल पटेल एंड हमारी जर्नी स्टार्टअप हुई थी 2007 से। 2007 में हमने पर्टिकुलर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई थी, एज वेल एज एक हॉबी थी। और 2014 में मार्केट में विदाउट नॉलेज हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, करीबन 1.5 लाख का लॉस भी हुआ था। देन आफ्टर हमने केपी को अच्छी तरह जाना, उसके रूल एंड रेगुलेशन को जाना। 2018-19 में हमने मार्केट को क्लब किया केपी के साथ, और देन आफ्टर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को क्लब किया। और इंट्राडे की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई 2019 से 2021। देन आफ्टर और 2021 के बाद हमने कुछ पोजिशनली क्लू निकाले कि पर्टिकुलर दो प्लेनेट या ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से पर्टिकुलर दो प्लेनेट के बीच में ऐसा कौन सा एंगल से आस्पेक्ट होता है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडेक्स एज वेल एज द एमसीएक्स में। तो वो जर्नी स्टार्टअप की। और 2023 में रिसेंटली हमने सर्वोत्तम भद्र चक्र नक्षत्र ज्योतिष के बेस के ऊपर और स्टॉक सिलेक्शन आज करना चालू किया, 15 डेज या 3 मंथ्स या मोर देन 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ के लिए, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और उसके हिसाब से मोमेंटम इक्विटी ऑप्शन में भी 15 डेज के हिसाब से आप देखोगे तो अच्छी खासी। अक्टूबर 2023 से हमने जर्नी जो स्टार्टअप की उसमें जो स्टॉक सिलेक्ट करके इक्विटी ऑप्शन में हम ट्रेड करते थे, वहाँ 2x 8x मिलते हैं। और रिसेंटली जून 2023 में हमने मैं रिसेंटली कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ एट प्रेजेंट, और या भी मैंने यूएस एज वेल एज द कैनेडियन स्टॉक्स को रिसर्च करना चालू किया। सेम लॉजिक इंडियन स्टॉक मार्केट एंड लॉजिक एस्ट्रोलॉजी का यहाँ मैंने अप्लाई किया, ऑलरेडी वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैंने लॉन्च किया उसमें भी यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स को कंसिडर किया हुआ है, डाउ जोन्स इंट्राडे एज वेल एज द नैस्डैक 100, सभी को आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो। तो ये सब पहलू है, ये सब हमारी जर्नी है। कॉन्सेप्ट है वैदिक एज वेल एज द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी केपी सर एंड 48 500, 48 500 कहाँ तक का टारगेट बुक करना है? सर 48,500 की कॉल 130 के वो बाइंग थी, 110 का एसएल था, 145 फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा। अगर निकल रहा है तो 200 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 200। फर्स्ट टारगेट 177 देन आफ्टर 200। ठीक, तो ये जर्नी है हमारी। कॉन्सेप्ट है ओनली फॉर स्टॉक सिलेक्शन, सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से करते हैं। और इंट्राडे हम विद द बेस ऑफ मून केपी साइकिल। और रिसेंटली हमने लास्ट 2 मंथ से जो लॉन्च किया कि ट्रेंडिंग मूव को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, 5th हाउस और 11th हाउस से मून मर्क्यूरी की रिलेशन होती है, तो एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव दे आप तो आपकी ट्रेड विद इन 30-45 मिनट्स में खत्म हो जाती है। और स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेसफुल आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सेल ट्रिगर होने के चांसेस निगलिजिबल हो जाते हैं, वो एक कंसर्न है। ये हमारी जर्नी है, आप कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो। सर ये जो आप डेली कर रहे हो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने यस दिनों से कर रहे हो और ये कंटिन्यूअसली रहेगा या? यस अभी तो टेस्ट ही कर आ रहा हूँ मैं, बट आई नहीं एम सर, डेफिनेटली ये कर इसमें सकता क्या हूँ। है कि इट्स जो लोग अवेयरनेस नहीं होते कि क्या होती है पर्टिकुलर फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की पावर क्या होती है, एज वेल एज द जो इसलिए 3 डेज फ्री रखा हुआ है मैंने। 3 डेज के बाद आप चार्जेबल भेज, और चार्ज भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा, दिन 6,000 पर वीक का है। आप 6,000 के अगेंस्ट में अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, 30,000 या 40,000 से कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो आपको वो मिनिमम वीक में ऐसे 2 या 3 3 कॉल मिनिमम ऐसे होगी वहाँ जहाँ आपको जैकपॉट जर्नी देखने को मिलेगी। आपका कैपिटल जस्ट डबल होने के चांसेस मैक्सिमम, वही ट्राई है मेरा कि लोगों के जो 6,000 के अगेंस्ट में आपको आपको अच्छे खासा कैपिटल, आपके जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 30,000 के कैपिटल से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि आपका कैपिटल 50,000 हो विद इन अ वीक। सर ठीक है, मेन कंसर्न है मनी मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना पड़ेगा, डायरेक्शन हम देंगे।
वो देख रहा था सर, अब बैंक निफ्टी एक्सपायरी के पहले दिन आपने अगले हफ्ते कर दिया था, मैं दोनों कंपेयर कर रहा था, इस हफ्ते का कंपेयर कर रहा था, अगले हफ्ते का कंपेयर कर रहा था, जब वो रिवर्स डायरेक्शन में गया, ये हफ्ते का तो 50% से ज्यादा निकल गया, बट आपका सेफ था, सो वो ऑब्जर्व कर रहा था मैं, लास्ट 3 दिन से हूँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर ट्रेड को, कंपेयर भी कर रहा हूँ कि आप ये क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो, जैसा निफ्टी का देखा था बहुत तंग किया था, बट अमेजिंग रिटर्न था, वो उसी दिन का था, वो अगले हफ्ते का नहीं लिया आपने, बट बैंक निफ्टी का आपने अगले हफ्ते कर लिया, तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अच्छा लग रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म होगा तो बढ़िया रहेगा। या ऑब्वियसली सर, मेन कंसर्न आप है कौन से सिटी से हो कि सर, या या सर, कौन से सिटी से हो आप? मैं बड़ौदा से हूँ बेसिकली, पर एट बड़ौदा प्रेजेंट से, नाउ ओके, कनाडा अभी में, तो कनाडा से हो, या कनाडा में। अभी तो रात होगा आपके। हाँ सर, एक हॉबी है, हॉबी को थक नहीं, जनरली हॉबी होती है तो वर्क करने में थकान नहीं लगती कभी, जो भी है अपना एसएल ट्रेल कर सकती है, 170, 130 से 170 एसएल ट्रेल डल के चलिए, घर आया हुआ प्रॉपर्टी प्रॉफिट कहलाता है। अच्छा 172 कि क्या चीजें हमारे एक प्लेटफॉर्म, लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मगर क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ पहलू रहते हैं, मगर चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना वो बहुत मायने करता है। लोग प्रेडिक्ट करते हैं केपी के हिसाब से, मगर मून, मून के नीचे का नक्षत्र और सब लॉर्ड, यहाँ हमने सभी चीजों को कंसिडर किया, मून नीचे का नक्षत्र, सब लॉर्ड एज वेल एज द सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड, और उसके हिसाब से ट्रेंड फाइंड आउट किए, और ट्रेंडिंग मूव कैसे, ये मून मर्क्यूरी है तो ऑब्वियस है कि ट्रेंडिंग मूव आना ही है, फिफ्थ हाउस और इलेवंथ हाउस से, और उसके साथ साथ मून के साथ एस्पेक्ट भी हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंसर्न होती है, अगर यहाँ हम क्यों बिंदास होके बोल रहे हैं कि भाई, क्योंकि 7-11 के कॉम्बिनेशन है, मून की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, 9:50 पे भी, 10:40 पे भी एक जर का पर्ट साइन दिखाई देगा, तो ये एक कंसर्न होता है, एक कॉन्फिडेंसली कॉन्फिडेंसली आप ट्रेड कर सकते हो बिंदास होके, ठीक है, 130 से लेके 172 जर्नी, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट से पर्टिकुलर, इसमें कोई पर्टिकुलर मोमबत्ती वाली कहानी नहीं है, ये पर्टिकुलर चार्ट वाली कहानी नहीं है कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल टूटेगा, ये वाली कहानी नहीं है, कहानी है ओनली फॉर डायरेक्शन। सर हेलो या सर सर, मैंने कल कल एक बहुत बड़ा लॉस करे थे सर, आज मैंने सर मतलब प्रॉफिट करे हैं सर, मतलब 7,000 के आसपास सर, सर आई एम सो हैप्पी, लगभग सर मेरा, और अगर मतलब प्रॉफिट अगर रिकवर हो जाएगा तो सर मेरा कल का लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, मैं सर सर आपने सर कल को 2 कॉल दिए थे बैक टू बैक सर, वहां पर मेरा लॉस हुआ था, और मैंने सर कल और कुछ भी ट्रेड नहीं करे सर, आपका जो सर शायद जो लास्ट का कॉल था वो भी सर मतलब प्रॉफिट का ही था, मगर सर मैंने कल को कुछ मतलब ट्रेड ही नहीं करे सर, आज मैं बहुत खुश हूँ सर, तो सर मेरा मतलब बहुत अच्छा रिकवर हुआ है सर, और भी थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा तो सर मेरा पूरा लॉस ही रिकवर हो जाएगा सर, थैंक यू सर सो मच सर, वेलकम सर आपको देख के हमको भी मोटिवेशन आता है सर, करके हम भी कुछ कर सकते हैं सर जिंदगी में सर, थैंक ओके यू सो मच सर। वेलकम 175, 176, 182, 189, 185 फर्स्ट टारगेट हिट, 177 का टारगेट था, 180, 190, 191, 198, 200 टारगेट हिट, ठीक है। तो ये एक होती है कहानी बिंदास होके ट्रेड करने की, ठीक है, 130 से 201 की जर्नी देखी, 200 का हमने पीओ मैग्नेट था, तो मैग्नेट के हिसाब से बोला था कि भाई 200 तक जाएगा मार्केट, और विद इन देख आप सभी लोगों ने देखा कि विद इन 5 to 10 मिनट्स में ट्रेड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कहानी होती है पावर ऑफ फाइनेंशियल अप एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, सबने अगर प्रॉफिट किया है तो शेयर कर सकते हो, 202। सर ये जो सॉफ्टवेयर आप दिखा रहे हो ये आपके पास ही रहता है या सब्सक्राइबर्स को देंगे? या मैं सेल करता हूँ वैसे, सेलिंग सेल कर रहा हूँ इसको, जिसको भी जरूरत है लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए डेटा डले, नॉट नॉट ओनली फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन वाला ये सॉफ्टवेयर है, लाइफ टाइम के लिए है,
और उसमें सभी है, स्टॉक सिलेक्शन एज वेल एज द अपनी पर्सनल होरोस्कोप का फॉरकास्ट हो या पर्टिकुलर इंट्राडे फॉरकास्ट हो, ठीक है। और ये ओनली फॉर नॉट और इंडियन स्टॉक्स, ये पर्टिकुलर यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक्स के लिए भी है। लाइफ टाइम के लिए कॉस्ट है 1,17,11,7,600। एंड ये एक बार लेने के बाद इसको कैसे पढ़ेंगे और इसका सर सेंटेंस ये बिल्डिंग सभी ये कैसे होगा? फाइनल मेरी ट्रेनिंग उसके साथ फ्री रहती है, करीबन 12 से 14 सेशंस रहते हैं, ट्रेनिंग एज वेल एज द चीज़ों को कैसे ऑपरेट किया जाए, और 1.5 से 2 मंथ आपको लाइव कॉल भी देता रहूँगा उसके साथ, ठीक है। तो आपको आसान रहेंगे ऑपरेट करने में। मेन कंसर्न है या पहलू को समझना, पहलू आप समझ गए तो आप इजी वे में चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो टू जर्नी देखिए आपने, 2.01, 130 से लेके 2.01, अब टारगेट कौन सा रहेगा, ठीक है। तो टारगेट अगर 200 के अबोव सस्टेन होता है तो 259 सस्टेन होना चाहिए, बाकी आईएसएल ट्रेड करके चल सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो स्मॉल ट्रेडर से और जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो सेल कर सकते हो। अम्बेद सर सेम सेम है सर, 3,000 गया थे, 3,200 करीब गया है सर। गुड, वेलकम, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट स्पाइक्स है, स्पाइक्स अगर छोटी स्पाइक्स पे छोटे ट्रेड करना हो तो नेक्स्ट स्पाइक्स रहेगी आपकी 9:50 और 10:40, और एग्जिट होना है आपको करीबन 11 बजे से पहले, ठीक, ट्रेड को मैनेज करके चल सकते। थैंक यू सर। या वेलकम, काफी अच्छा लग रहा है, सभी खुश है। सर आनु वन डे माटे डेमो मड़े અરે સાહેબ, તમારા માટે હાજર જ છીએ ને, ક્યાં નથી હાજર, ગુજરાત આપણે તમારા માટે, તો તમે જો ડેમો એટલે આ ડેમો જેવું નહીં લાગતું, નહીં, એ તો 100% છે સર, હા બટ તમે તમે, જેમ અરે કીધું ને કે તમને ઓપરેટ ફ્યુચર્સ ને એના કરીને, શું છે, શું હા કહેવાય, ફ્યુચર્સ શું છે, એના બેનિફિટ શું છે, એના વિશે તમને મળે ને, બધું જ મળે સાહેબ, તમે કહો ત્યારે મને ખાલી પિંગ કરજો વોટ્સઅપ ઉપર, તો હું એ પ્રમાણે મેનેજ કરી લઈશ રાતનો ટાઈમ, 222, 221, ઠીક છે, 223 તક, 130 से 223, ठीक है, 250 तक एसएल ट्रेल करके चल सकती हो। 9:50 का भी टाइम स्लॉट है। डेमो डेमो तमने मळ्या जोवा, एक एक बार आपने 1.5 થી 2 કલાકનો ડેમો સેશન લઈશ, તમારા જો પણ આપકી જો ભી જર્ની હે, કે આપ અગર ઇન્ટ્રાડે કરતે હો યા પર્ટિક્યુલર પોઝિશનલ કરતે હો, સ્ટોક સિલેક્શન યા પર્ટિક્યુલર શોર્ટ ટર્મ કે લિયે સ્ટોક સિલેક્ટ કરતે હો, તો કેસે સિલેક્ટ હોતા હૈ, ક્યા હોતા હૈ, સભી ફ્યુચર્સ કે ઉસમે કેસે ઓપરેટ કિયા જાતા હૈ, ડેમો વર્ઝન, ડેમો મેં સબ મેં એક્સપ્લેન કર સકતે હૈ, ઠીક। सर वीकेंड पे पॉसिबल सर, जॉब कोई है बात नहीं, तो वीकेंड पे मगर थोड़ा पिंग कर लीजिए, तो क्या है कि संडे मॉर्निंग या बट संडे शाम को रख लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, तो 223 एसएल ड्रिल करके चलिए। हो गया यस, वन ऑफ द हॉट स्पिन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेट 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 यस। सर आपको पिंक करना तो कौन से नंबर पे, व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम? 9,42,868,32,91 8,32,91 व्हाट्सएप या व्हाट्सएप, सभी यूट्यूब में आप देखोगे तो सभी में स्टार्टिंग में मेरा मोबाइल नंबर रहता ही। सर, उसका एक नंबर ओके, मेरे को चेक करना है, एक पे टेलीग्राम पे मैसेज किया था, उसके बाद कुछ मैसेज नहीं आया, देन कुछ और ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप दिखे थे, बहुत ग्रुप थे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, अभी तो नंबर है, ओके ओके। कोई
या कि एक टेलीग्राम में कोई एक फेक चैनल भी चल रही है, तो आप बीवे रोके चलिए, ठीक है, वो एक बंदा चला कहीं रहा से एक तो घुस गया सर, वो हाँ, डिपॉजिट बुक फॉरेक्स, कर रहा कुछ है। फॉरेक्स वाला कोई बंदा है तो, ठीक है, तो मेन कंसर्न है व्हाट्सएप ही करिए बेटर। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे मिलते हैं, 11:50। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि 11:50 या 11:45 पे अर्ली ज्वाइन कीजिए, जिससे पोजीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यह 48,500 की कॉल आपने देखी 1:30 से लेकर 2:20, और सुबह कल की BTST कॉल थी 47,900 की, करीबन 200 से लेकर करीबन 290 थी। ठीक, थैंक्स अ लॉट।